हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्या करेंगे, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर जो आपका 6 है और एक्सरसाइज 6.2 की जो इंट्रोडक्शन है, यानी कि हमने समझा था कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा, उस कंसेप्ट को, टॉपिक को हमने बड़े अच्छे समझा था। जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए गए उनको हमने सॉल्व किया था। आज जो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे, इसके सम करेंगे। और उम्मीद है कि बच्चों आपने प्रीवियस वीडियो को जरूर देखा होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बिना आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो बेसिक जो इसकी इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 6.2 की, कि कोई फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में डिफरेंस क्या रहेगा, ये सभी बातें, ये सभी चीजें हम समझ चुके हैं हमारी जो प्रीवियस वीडियो में है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 को। चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो बच्चों जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, क्या दिया गया, सो दैट द फंक्शन गिवन बाई, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका रहेगा, so that the function given by f of x is equal to 3x plus 17 is increasing on R, किसी भी real number के लिए function आपका increasing रहेगा। और मैं first derivative test को समझा था, उसकी help से हम prove करेंगे यहाँ पर कि कोई function increasing है या decreasing रहेगा। तो first derivative test हमारे पास क्या था उसको हम समझ चुके, चलिए उसका use करते हैं। तो मैं पहले इसका derivative find करूँगा, क्या रहेगा, f डैश एक्स इज इक्वल टू, जब मैं 3x का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या रहेगा, 3 रहेगा, और 17 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0। तो यहां पर 3 आ चुका, 3 क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। ध्यान रखिए जो मैंने बात की थी, तो रिवाइज कर लेते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका रहेगा अगर वो पॉजिटिव वैल्यू दे आपको 0 से ग्रेटर, तो आपका रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। अगर ये इक्वल भी आ जाए, एफ डैश एक्स इक्वल टू और ग्रेटर देन, तब इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग, कहेंगे सिर्फ इंक्रीजिंग, तब ये जो फंक्शन आपका रहेगा इंक्रीजिंग रहेगा। अगर एफ डैश एक्स क्या हो, लेस देन 0 हो, तब रहेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। ऐसे ही अगर आपका ये लेस देन इक्वल टू हो, तब आपका रहेगा ओनली इंक्रीजिंग, इस केस में इंक्रीजिंग रहेगा। अगर ये ना दिया हो, इक्वल टू ना हो, यानी कि इसकी वैल्यू लगातार घटती जाए, फिर इसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आपका रहेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है यहां पर, तो वी कैन से दैट देयरफॉर f of x is increasing function आपका रहेगा on R। तो किसी भी real number के लिए आपका function कैसा रहेगा, increasing function आपका रहेगा। second question में हमें कुछ ऐसे ही दिया गया बच्चे, यहां पर भी अब यहां पर exponential function हमें दिया गया है, f of x is equal to e raised to power 2x। बच्चों दो मेथड आपके यहां पर बनते हैं सॉल्व करने के लिए, एक आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है और एक हमने जो फर्स्ट डेफिनेशन की थी वहां से भी कर सकते हैं, एक्स वन एक्स टू को लेकर उस मेथड से कीजिए, इससे कीजिए, दोनों से आपका आंसर सेम रहेगा, दोनों का आप यूज कर सकते हैं। यहां पर हम यहां पर जो करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही करेंगे इन सभी क्वेश्चन को। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रहेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, जब मैं ई की पावर एक्स का करूंगा तो ई की पावर एक्स ही रहेगा, लेकिन जब मैं इस फंक्शन को डेरिवेटिव इसका करूंगा तो क्या रहेगा, 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू e रेज टू पावर x। और बच्चों e की जो पावर है कुछ भी आपके दियो, अब जो e है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ध्यान रखें जो फंक्शन आपका यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका दिया गया है, इसकी जो वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, 2 से ग्रेटर और 3 से लेस रहेगी, इसके बीच में लाई करेगी। अगर अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो क्या रहेगी, 2.718 इसकी वैल्यू आपकी रहेगी। अब देखिए, अब ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा किसके लिए चेक करना है, इसको हमने भी, इसको भी चेक करना, किस इंटरवल में, आर के लिए चेक करना, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि सभी रियल नंबर के लिए चेक करें। अगर मैं यहां पर
पुट करता हूं x को जीरो पुट करता हूं, देखिए क्या होगा, f डैश जीरो तो 2 इंटू ए रेज टू पावर जीरो हो जाएगा, और किसी की भी एक्सपोनेंट जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो क्या आएगा 2, और ये क्या है पॉजिटिव है। अगर मैं यहां पर चेक करूं f डैश, मैंने माइनस वन पुट किया, हम क्या करेंगे ये ध्यान रख, जब भी चेक करेंगे किसी फंक्शन को जीरो पर चेक करेंगे, एक कोई पॉजिटिव नंबर लेंगे उस पर चेक करेंगे और एक नेगेटिव नंबर पर चेक करेंगे, क्या वो फंक्शन हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है जब आपका डेरिवेटिव आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हम सब कहेंगे कि आपका फंक्शन क्या है इनक्रीजिंग रहेगा। अगर मैं माइनस वन पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, टू इंटू ए रेज टू पावर माइनस टू हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ टू अपॉन ए रेज टू पावर टू, और क्योंकि ए की जो वैल्यू आपकी रहेगी अप्रोक्सीमेट 2.718 रहेगी, जब यहाँ पुट करो स्क्वायर करो तो पॉजिटिव रहेगी, तो यहाँ भी क्या रहेगी आपकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। कोई और हम वैल्यू लेस इंटरवल से, मैंने यहाँ पुट किया वन पुट किया पॉजिटिव, तो फिर क्या आ जाएगा टू इंटू ई रेज टू पावर टू हो जाएगा, और जब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो सॉल्व करो तभी क्या वैल्यू हमें देगी पॉजिटिव देगी, यानी कि हर इंटरवल में ये हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो यू कैन से दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो रहेगा, तो फिर क्या होगा अगर ये पॉजिटिव वैल्यू देगा हमें तो क्या रहेगा, फंक्शन इज इनक्रीजिंग, देयरफॉर एफ इज अ इनक्रीजिंग फंक्शन। तो कैसा फंक्शन रहेगा बच्चों, इनक्रीजिंग फंक्शन है, किस समय रहेगा आपकी जो डोमेन आपके दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी रियल नंबर के लिए आपको क्या देगा पॉजिटिव वाली देगा, तो आपका फंक्शन क्या रहेगा इनक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। तो इस प्रकार से हम किसी फंक्शन को चेक कर सकते हैं या फिर वेरीफाई कर सकते हैं कि वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग आपका रहेगा। अब क्योंकि हम बहुत सारे एग्जांपल कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन आपके मिलते जुलते रहेंगे जो एग्जांपल में कर चुके हैं, जो थर्ड आपका क्वेश्चन दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका दिया गया है और हमने एग्जाम्पल्स किए थे आपकी एनसीईआरटी बुक से, तो यहां पर हमें जो फंक्शन दिया गया है यहां भी हमें चेक करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x हमें दिया गया है, तो यहां पर ये फंक्शन हमें दिया गया है और क्या कहा ध्यान रखिए f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, तो ये फर्स्ट में कहा कि ये आपका कैसा फंक्शन है इनक्रीजिंग, कब होगा यहां पर, अब इंटरवल हमें दिए गए हैं इन ओपन है, ध्यान रखिए इंटरवल ओपन और क्लोज्ड। सेकंड में क्या कहा बी, जब हमारे पास ये डिक्रीजिंग रहेगा तो किस इंटरवल में रहेगा ये हमें चेक करना है, अब ये रहेगा पाई बाई टू टू पाई। तो कैसे हमने सोल्व करना है क्वेश्चंस को सभी को बच्चों, तो यहां पर क्या करेंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो वही आपका रूल यहां पर रहेगा मेथड एफ डैश एक्स यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आपका, और साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। और देखिए बच्चों जब इस इंटरवल में हम चेक करें, ओपन है ध्यान रखें जीरो और पाई बाई टू को लेंगे नहीं यहां पर, इसके बीच में से कोई भी पॉइंट ले लीजिए, अगर मैं यहां पर 30 पुट करूं तो कोस 30 की वैल्यू क्या रहेगी, हमें नेगेटिव पॉजिटिव चेक करना, सिर्फ यहां पर क्या चेक करना है कि पॉजिटिव वैल्यू देगा नेगेटिव देगा। अगर मैं यहां पर 30 पुट करूं तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, यानी कि जब बात करते ग्राफ की जो साइन की वैल्यू जीरो से लेकर और 90 तक क्या होगी पॉजिटिव रहेगी, जीरो पर इसकी वन होती है 90 पर जीरो रहेगी, तो हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव, और इनको हमने इंक्लूड नहीं करना क्योंकि आपका ओपन इंटरवल दिया गया है, तो यहां से क्या है क्लियर होता है कि ये जो आपको वैल्यू देगा हमेशा क्या देगा पॉजिटिव, यानी कि इस इंटरवल की बात अगर करें जीरो टू पाई बाई टू तो हमेशा कॉस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, अगर कॉस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो फिर क्या होगा बच्चों देखिए, तो इस इंटरवल में देयरफॉर एफ यानी फंक्शन जो आपका दिया गया है इज इंक्रीजिंग, तो फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा इन इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू, तो इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो क्या रहेगा इंक्रीजिंग रहेगा। फिर बात करते हैं जो आपका इंटरवल दिया गया है अब यही रहेगा, इसी को चेक करेंगे इस इंटरवल के लिए चेक करेंगे, इस इंटरवल में चेक करें इन पाई बाई टू टू पाई,
अब ये भी ओपन इंटरवल दिया गया है तो पाई बाई टू और पाई तो इंक्लूड इसमें होंगे नहीं, ध्यान रखें ये इसमें इंक्लूड नहीं होते, अगर क्लोज हो तो उसमें इंक्लूड आपके रहेंगे। तो मैं इसमें से कोई भी वैल्यू यहां से उठा कर चेक करूंगा, पाई बाई टू पर वैसे चेक करें तो कोस पाई बाई टू क्या होता है आपका जीरो रहेगा, कोस पाई बाई टू क्या होता है जीरो रहेगा और ऐसे आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहां पर कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करें पाई बाई टू से पाई के बीच में, तो इसका ग्राफ को हम समझते हैं पढ़ते हैं, हमने जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किए थे तो यहां पर इस इंटरवल में क्या होगा इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, नेगेटिव आएगी, किस पर आएगी ध्यान रखें, अगर इस इंटरवल में कोई पॉइंट लूं तो मैं थ्री पाई बाई टू ले सकता हूं, इसी इंटरवल में आपका लाई करेगा ना। देखिए अगर हम बात करें यहां पर, यहां मैंने लिया पाई बाई टू पाई, ठीक है, और इसमें हम कोई पॉइंट ले इस इंटरवल में, तो क्योंकि कोस की वैल्यू ध्यान रखिए अब कोस की वैल्यू वन होती है जीरो पर, तो इस प्रकार से आपका चलेगा ये ग्राफ, कोस की वैल्यू जीरो पर वन हो जाएगी और पाई बाई टू पर जीरो हो जाएगी, इस प्रकार से थ्री पाई बाई टू फाइव पाई बाई टू, इन पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी जीरो रहेगी, और पाई पर इसकी माइनस वन होती है लेकिन वो इसमें इंक्लूड नहीं है वैसे भी। अब मैं बात करूं कोई इंटरवल यहां पर इनके बीच में से लूं, मैं कोई इंटरवल इनके बीच से ले पाई बाय टू, मीन्स अगर आपको ऐसे समझ में आए तो उसको इस प्रकार डिग्री में लिखे 90 और 180, तो इसके बीच की कोई वैल्यू उठा लीजिए, जैसे मैंने लिया 135, ठीक है, मैंने इस पर चेक करना क्या कोस हमें कैसे वैल्यू देगा, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझ चुके कर चुके कोस 35, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कोस 90 प्लस 45। अब ये ध्यान रखें कैसे चेंज करेंगे, अब यहां पर कोस को जब मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो कोस अगर ध्यान रखें अगर 180 माइनस करूंगा तो फिर कोस कोस ही रहेगा, 180 कर लेते इसको तो कोस ही रहेगा 180 माइनस 45, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर ध्यान रखें, ये आपका सेकंड में लाई करे, सेकंड में कोस आपका नेगेटिव, हमने इसमें किया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में सभी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड में साइन और कोसेकेंट आपका रहेगा पॉजिटिव, यहाँ टेन और कोट रहेंगे, यहाँ कोस और सेकेंड आपका पॉजिटिव रहेगा। अब ये सेकंड में लाई करता है तो क्या रहेगा आपका माइनस, तो कोस 135 इक्वल टू किसका जाएगा माइनस कोस 45 के, और 45 में वैल्यू कुछ भी आए 1/√2 रहेगी लेकिन नेगेटिव आएगी, हमें तो साइन चेक करना है। तो बच्चों यहां पर जब इस इंटरवल की बात हम करेंगे, इस इंटरवल में जो आपके यहां पर वैल्यू रहेगी कॉस की वो नेगेटिव रहेगी, ध्यान रखें बस ये समझना, आपने आपने सिर्फ इतना समझना कि हमने ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव, उसी से हम डिफाइन करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को। तो इस इंटरवल में जो कोस हमें वैल्यू देगा आपका एफ डैश एक्स जो आपका फंक्शन है इक्वल टू कोस एक्स, तो नेगेटिव वैल्यू देगा, अगर नेगेटिव है तो ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग रहेगा, किस इंटरवल में रहेगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा इन इंटरवल पाई बाई टू टू पाई, ओपन इंटरवल आपका दिया गया। तो इस प्रकार से हम चेक करेंगे, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको चैप्टर पढ़ चुके हैं 11th क्लास में आपने किया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी नॉलेज होने जरूरी है, तो बाकी तो सिंपल रहेंगे जो आपके पॉलीनोमियल्स आएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको सॉल्व करना आसान रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th ही हमें दिया गया स्टेटमेंट, यहाँ पर देखिए फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स 2x² माइनस 3x इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो अब यहां पर मैं ये बताना है, अभी हमें इंटरवल नहीं दिया गया है, अब यहां पर इंटरवल किस इंटरवल में आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में आपका डिक्रीजिंग रहेगा, यहां पर हमने ये करना। चलिए तो कैसे करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही करेंगे इसको भी। चलिए तो क्या रहेगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो जब मैं करूंगा 2x² का तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा 2x और 2 ऑलरेडी है तो 4x हो जाएगा और माइनस 3x है 3 का हो जाएगा आपका इसका 3x का 3 हो जाएगा तो ये वापस इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। हम ये अब यहां पर f डैश x को इक्वल टू 0 लेके चलेंगे,
तो दिस इंप्लाइज 4x-3 इक्वल टू 0 जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, तो 4x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/4। यहां पर मैं x की वैल्यू मिल चुकी है, अब इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे, नंबर लाइन लेते हैं और नंबर लाइन पे तो आपका नेगेटिव इन्फिनिटी तक या आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी, और एक पॉइंट यहां पर हमने लिया 3/4 जो इसको डिवाइड करेगा दो इंटरवल में, एक आपका रहेगा 3/4 से माइनस इन्फिनिटी और एक आपका रहेगा 3/4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आपका रहेगा। अब किस इंटरवल में नेगेटिव किस में पॉजिटिव चेक कैसे करेंगे, तो इस इंटरवल को ले हम पहले माइनस इन्फिनिटी तो आपका दिया जाएगा क्लोज्ड, यहां पर नहीं होगा हमेशा ध्यान रखें, और 3/4 मैं इस इंटरवल को चेक करूंगा पहले कि ये इंक्रीजिंग रहेगा फंक्शन यहां पर आपका डिक्रीजिंग रहेगा, तो कोई एक पॉइंट आप यहां से उठा लें इस इंटरवल से, कोई भी एक पॉइंट यहां पर लेकर चले। अब अगर इसको मैं डेसिमल में लिखूं तो क्या जाएगा आपका, ये आपका लगभग इस प्रकार से आएगा, यानी कि अब यहां पर कौन से नंबर आएंगे इस इंटरवल में, माइनस क्या आएंगे, कोई भी एक वैल्यू हम ले लेते हैं, यहां पर मैंने लिया -1 एक्स इज इक्वल टू -1, तो मुझे चेक क्या करना है कि यहां पर हमें वैल्यू पॉजिटिव मिलती है इस इंटरवल में नेगेटिव, कहां पर चेक करेंगे, इसमें पुट करेंगे। अगर मैं यहां पर पुट करता हूं, देखिए 4 × -1 -3 तो क्या हो जाएगा -4 -3 क्या आएगा -7 और ये क्या है -0 है, क्या है लेस देन, हमें साइन चेक करना बच्चों। तो यहां पर ये नेगेटिव वैल्यू देगा हमें, अगर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग रहेगा, तो क्या लिखेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल -∞ to 3/4। तो इस इंटरवल में आपका जो फंक्शन है वो क्या रहेगा बच्चों, डिक्रीजिंग रहेगा। फिर चेक करेंगे, अब इस इंटरवल को ले लेते हैं जो कि इंटरवल रहेगा 3/4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसमें चेक करें कोई पॉइंट यहां से उठा लेते हैं। अब मैंने 1 को लिया यहां पर, पहले -1 लिया था +1 ले लेते हैं, तो क्या आएगा, देखिए जब यहां पुट करूंगा तो 4 × 1 -3 तो 4 - 3 इक्वल टू 1 और 1 क्या है 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो फिर क्या होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 3/4 to -∞। तो इस प्रकार से हमने चेक करना, अगर इंटरवल हमने चेक करना हो किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव वो चेक करेंगे और उसके बाद डिफाइन करेंगे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या पर डिक्रीजिंग है। जैसे हमने यहां पर किया, यहां पर नेगेटिव कोई भी एक पॉइंट उठा ले, यहां पर एक पॉइंट यहां से हमने चेक किया लेकर, तो यहां पॉजिटिव हमें वैल्यू मिलती है, तो यानी कि आपका इस इंटरवल में आपका इंक्रीजिंग रहेगा और इसमें आपका डिक्रीजिंग रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कुछ ऐसा ही रहेगा, यहां पर हमने ऐसे ही फाइंड करना, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी जो हमने अभी किया क्वेश्चन नंबर 4 में, यहां पर भी हमें इंटरवल ही डिफाइन करना, किस इंटरवल में हमारा फंक्शन गिवन है वो इंक्रीजिंग रहेगा किसमें आपका डिक्रीजिंग रहेगा। तो फंक्शन में दिया गया इस प्रकार से आपका दिया गया f(x) इज इक्वल टू 2x³ - 3x² - 36x+7। तो ये हमें फंक्शन दिया गया है, इसको हमने चेक करना है कहां पर ये इंक्रीजिंग है कहां पर डिक्रीजिंग, तो वही रहेगा। यहां पे क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव से करते चलिए, f'x इज इक्वल टू, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा 3 आगे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 6x² 1 पावर कम हो जाएगी, यहां पर करेंगे यहां 6x और यहां पर जब करूंगा 36 और ये आपका कांस्टेंट 0 हो जाएगा। कैसे हम करते हैं, हमने बहुत सारे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया चैप्टर 5 में, हम कर चुके उसको ऑलरेडी अच्छे से, अब ये हमारे पास आ चुका, हमने एग्जाम्पल में किया था बच्चों, ऐसा एग्जाम्पल एक हमने किया था। अब इस फंक्शन को देखकर हम डिफाइन नहीं कर सकते किस इंटरवल में नेगेटिव पॉजिटिव कैसा रहेगा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हमें और करना पड़ेगा, फैक्टर करने की कोशिश करें, तो क्या कर सकते हैं, यहां से कॉमन निकाल लेते हैं 6, तो आपका रहेगा 6, यहां पर रहेगा x²
यहां पर रहेगा x और ये आपका रहेगा 6। फैक्टर करें इसके तो क्या रहेंगे, x माइनस टू एक्स प्लस थ्री। अब देख ले साइन प्लस माइनस, क्योंकि माइनस का सिक्स आना चाहिए और पीछे आ जाएगा, यहाँ माइनस थ्री हमें, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, तो अभी आ चुका है। अब क्या करेंगे, इस एफ डैश एक्स को लेंगे इक्वल टू जीरो। तो फिर आपको फंक्शन जो आपका दिया है डेरिवेटिव इस प्रकार से, अब इसको लेंगे इक्वल टू जीरो, अब क्योंकि सिक्स तो कॉन्स्टेंट है नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, तो यहाँ जब इसको पुट करूंगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू सॉरी इक्वल टू आपका आ जाएगा फिर यहाँ से ये, जब इसको लेंगे एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव थ्री आ जाएगी। अब हमें कुछ इंटरवल्स मिल चुके हैं और इन इंटरवल हम चेक करेंगे क्या हमारे पास रहेगी इसकी। अब इंटरवल इस प्रकार से माइनस टू और ये आपका थ्री, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी आपका रहेगा। अब इन इंटरवल में हम चेक करेंगे हमारा फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग कहाँ पर डिक्रीजिंग रहेगा। तो इंटरवल लिख ले पहले इसको इस प्रकार से, माइनस इन्फिनिटी माइनस टू ये रहेगा, और एक हमारे पास रहेगा इंटरवल माइनस टू टू थ्री, और थर्ड जो इंटरवल बनेगा थ्री टू इन्फिनिटी। इस प्रकार से हमारे पास ये इंटरवल बनेंगे। अब हमें चेक करना, हमने एग्जाम्पल नंबर जो आपका दिया गया बुक में उसको हमने किया था 13th को, तो कुछ ऐसे ही आपके रहेंगे यहाँ पर देखिए। अब पहले इसमें चेक करते, तो कोई एक वैल्यू यहाँ से उठाएंगे इस इंटरवल से, तो क्या रहेगी यहाँ पर, इधर आप लेंगे तो क्या आएगा, मैंने माइनस थ्री उठा लिया यहाँ से, मैं इसमें पुट करता हूँ यहाँ पर, मुझे सिर्फ साइन चेक करना नेगेटिव या पॉजिटिव। जब मैं यहां पर माइनस थ्री पुट करता हूं क्या होगा, देखिए माइनस थ्री प्लस टू तो माइनस का आएगा वन, माइनस थ्री तो माइनस सिक्स हो जाएगा, यानी कि माइनस का रहेगा, और जब मल्टीप्लाई करें क्या आएगा हमारे पास, प्लस आएगा, यानी कि इस इंटरवल में आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर ऐसे ना हो तो चेक कर ले लिख कर, हमने यहां से क्या लिया, इस इंटरवल से एक पॉइंट कोई भी उठा लिया, यहां से मैंने थ्री लिया माइनस का, इसमें पुट करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस थ्री प्लस टू माइनस थ्री तो सिक्स, यहाँ माइनस वन रहेगा, यहाँ पर माइनस का सिक्स हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे इनको तो ये आपका आएगा प्लस का 36, पॉजिटिव आएगा, यानी कि इस इंटरवल में जो वैल्यू आपके पास आएगी पॉजिटिव रहेगी। अगर वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि इस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये इसमें इंक्रीजिंग रहेगा, देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी और ये माइनस टू, इस पर आपका रहेगा। ऐसे ही फिर चेक करेंगे किसको, अब चेक करेंगे जो सेकेंड आपका इंटरवल है उसमें चेक करेंगे, यहां पर भी कोई एक पॉइंट उठा लेंगे बीच में जीरो ले लेते हैं, आपका बीच के बीच में जीरो लाई करेगा। अब जब मैं जीरो यहां पुट करूंगा जीरो प्लस टू तो क्या रहेगा, ध्यान रखें पॉजिटिव रहेगा, यहां पर नेगेटिव रहेगा, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, इस इंटरवल में नेगेटिव आएगा, तो यहां पर इस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। यहां पर आपकी जो वैल्यू आएगी एफ डैश एक्स वो हमें देगा लेस देन, तो देयरफॉर एफ इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस टू टू थ्री। और जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया था ना, आप ऐसे टेबल बना के इसमें लिख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल आपके यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 11th में, यहाँ पर टेबल लिखी है इस प्रकार से बनाकर, ये टेबल आपको दी गई यहाँ पर, ऐसे आपको बना के लिखना इसको पड़ेगा। चलिए अब फिर हम चेक करें किस इंटरवल में, अब इसमें चेक करेंगे कोई वैल्यू यहाँ से उठा लेते हैं, अब मैंने यहाँ से फोर इसमें से लिया, कोई भी आप नंबर यहाँ से एक उठा लीजिए, तो मैं यहाँ फोर पुट करता हूँ, फोर प्लस टू सिक्स आएगा, यानी प्लस का रहेगा, फोर माइनस थ्री प्लस का वन आएगा, और जब दोनों आपके नंबर पॉजिटिव है मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव रहेगा, तो इस इंटरवल में भी आपका फंक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन इस इंटरवल में एंड, या एंड लगा के लिखते हैं इसको थ्री टू इन्फिनिटी, तो इन दो में तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, एक इंटरवल में आपका डिक्रीजिंग रहेगा। तो ऐसा हमने इसको सॉल्व, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत सारे एग्जांपल भी कर चुके हैं। यहाँ भी मैं क्या बताना है, जो आपके ये फंक्शन दिए गए हैं फाइव पार्ट्स दिए गए यहाँ पर, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग है किस इंटरवल में रहेगा, इंटरवल ही फाइंड करने से भी आपके अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल आपके दिए गए हैं। तो मेथड आपका वही रहेगा, एक दो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बाकी आप ट्राई करें, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे कर चुके हैं अभी क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी हमने कर लिए कुछ, और एग्जाम्पल्स भी हम कर चुके हैं एक्सरसाइज से पहले जो आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं जो प्रीवियस वीडियो हमने किए थे। तो देखिए अभी यहाँ पर जो आपको फंक्शन दिया है फर्स्ट आपका क्या दिया है, इसको लेट कर लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस फाइव। यहाँ पर कहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात यहाँ पर करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारा रहेगा, इसका डेरिवेटिव जब करें क्या आएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा टू एक्स प्लस टू रहेगा, यहाँ से इसको इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे एफ डैश एक्स को, तो 2x प्लस टू इक्वल टू जीरो, टू कॉमन निकाल लें तो 2x, अब ये कॉमन निकालने के बाद इस प्रकार से आएगा, 2 तो कॉन्स्टेंट है ये तो जीरो के इक्वल होगा नहीं, फिर क्या आएगा x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन। तो अब यहाँ से हमारे पास इंटरवल बन जाएगा, इस पर चेक करेंगे हम, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी और ये आपका माइनस वन, तो दो इंटरवल बन चुके कौन से, माइनस वन टू इन्फिनिटी और एक हमारे पास रहेगा माइनस वन टू प्लस इन्फिनिटी। इन दो में हमें चेक करना हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग आपका रहेगा। चलिए वही रूल रहेगा, मेथड रहेगा, यहाँ से कोई पॉइंट उठा लेते हम, यहाँ से मैंने माइनस टू यहाँ से लिया और मैं यहाँ पुट करूँगा इसमें, तो हमें वैल्यू कैसे देगा वो ध्यान रखना है। जब मैं माइनस टू पुट करता हूँ यहाँ पर, तो माइनस टू प्लस वन माइनस का आएगा, तो माइनस की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से। ध्यान रखें कैसे करना, वैल्यू कोई भी यहाँ से एक नंबर लें, इंटीजर लें, यहाँ पुट करें, वो वैल्यू हमें पॉजिटिव या नेगेटिव देगा, वो डिफाइन करेगा कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। अब इस इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो यहाँ पर फंक्शन आपका क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ध्यान रखें अब नेगेटिव है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इन डिक्रीजिंग रहेगा, आता होगा आपका डिक्रीजिंग किस इंटरवल में आपका रहेगा, इन इंटरवल माइनस वन टू इनफिनिटी आपका ही रहेगा। फिर यहां पर चेक करें कोई वैल्यू ले पॉजिटिव, माइनस वन और इनके बीच में जीरो भी आएगा, वन भी आएगा, कोई भी रखे, मैंने टू लिया, टू यहां पुट किया, टू प्लस वन थ्री, थ्री टू सिक्स पॉजिटिव आएगी, तो यहां पर जो वैल्यू हमें फंक्शन देगा ये इस पर क्या देगा, ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव देगा। तो यहां पर यू कैन से दैट द फंक्शन इज आपका यहां पर इस इंटरवल आपका रहेगा इंक्रीजिंग रहेगा, वो लिख लेंगे इसमें नो प्रॉब्लम। यहां पर भी लिखते जैसे यहां पर लिखा है, देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल किसमें, माइनस वन टू इनफिनिटी। तो ये हमने ऐसे इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सभी के सभी क्वेश्चन हमने ऐसे ही सॉल्व करना, मुझे ध्यान रखें। हाँ कुछ में डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ तो सिंपल रहेंगे। अब जो आपका ई पार्ट में क्या x प्लस वन का क्यूब x माइनस थ्री का क्यूब दिया गया है, यहाँ पर कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे जो हमने सीखा था हमारे चैप्टर फिफ्थ में, तो इसको सॉल्व करेंगे। बाकी जो पार्ट आपके उनको आपने सॉल्व करना है, ट्राई जरूर करना इनको कि कौन से इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा आपका डिक्रीजिंग रहेगा। तो इसका हम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन का क्यूब x माइनस थ्री का क्यूब, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा, ध्यान रखें थोड़ा अलग रहेगा यहाँ पर ये, जो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर यूज करोगे f डैश x क्या हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, या तो क्यूब खोल लें मल्टीप्लाई करें, वो कर सकते नहीं, वो लेंथी हो जाएगा। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या रहेगा, थ्री एक्स प्लस वन और ये टू, मतलब एक्सपोनेंट का किया मैंने, इसको आगे लेके आएंगे, वन एक्सपोनेंट इसका कम हो जाएगा, थ्री है टू हो जाएगा। फिर मैं फंक्शन करूंगा, एक्स का वन हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का जीरो, ये सेम आज रहेगा। फिर एक्स माइनस थ्री प्लस में, अब इसको सेम रखेंगे, एक्स प्लस वन का क्यूब इसका डेरिवेटिव वही रहेगा, ये थ्री आपका आगे आ जाएगा, x माइनस थ्री इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका जब करेंगे तो आपका वन आएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है थ्री, तो जीरो जाएगा x का वन, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब कॉमन यहाँ से कुछ निकाल लें, क्या निकल सकता है,
एक तो थ्री कॉमन आएगा, एक्स प्लस वन का स्क्वायर यहां पर एक्स प्लस का, तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर यहां से कॉमन आएगा और सिमिलरली यहां से एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, तो यहां पर क्या बचता है, यहां पर रहेगा एक्स माइनस थ्री। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा यहां तक अभी तक, तो यहां से जो कॉमन लेंगे क्या एक्स प्लस वन का स्क्वायर, यहां पर है ये एक्स प्लस वन का स्क्वायर, तो यहां पर क्या रहेगा प्लस में एक्स प्लस वन रहेगा और ये हमारा कॉमन आ चुका है। तो क्या अब हमारे पास बचेगा सॉल्व करें इसको, थ्री इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर और ये आपको हो जाएगा टू एक्स माइनस टू, यहां से माइनस अब इसमें टू कॉमन निकाल सकते हैं यहां से, अगर टू यहां से मैं कॉमन लूँ तो क्या आएगा देखिए यहां पर करते हैं तो आपको हो जाएगा सिक्स, क्योंकि टू कॉमन लेंगे मल्टीप्लाई में यहां पर थ्री भी है, थ्री टू सिक्स हो जाएगा और यहां पर एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर और यहां पर रहेगा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन ये रहेगा। अब क्या करेंगे, अब जो हमारा डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स इसको लेके चलेंगे इक्वल टू जीरो के, इक्वल टू जीरो इसको लेके चलेंगे और क्या करेंगे यहां से हम फाइंड करेंगे एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू क्या हो जाएंगे, देखिए सिक्स एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर और एक्स माइनस वन का एक्स माइनस वन ओनली। तो जब इसको इक्वल टू जीरो पुट करो ब्रैकेट में यहां से निकाल रहे हो बच्चा ध्यान रखिए, तो कांस्टेंट रहेगा जीरो नहीं हो सकता, तो यहां से आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी माइनस वन, यहां से जब मैं पुट करूंगा तो यहां से आपके पास आएगा थ्री और यहां से आपका आएगा एक्स प्लस वन। तो ये हमारे पास इंटरवल बन जाएंगे और इन इंटरवल में हमने डिफाइन करना कहां पर नेगेटिव कहां पर पॉजिटिव और उसके अकॉर्डिंग आपका फंक्शन रहेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो माइनस वन आपका यहां पर रहेगा, ये वन और ये आपका थ्री, तो ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी। अब हमारे पास इंटरवल कितने बन चुके हैं वन टू थ्री और फोर, इन चारों इंटरवल में अपने चेक करना कैसे, अभी हम चेक कर चुके ऐसे ही करना है, यहां से कोई वैल्यू यहां पुट करेंगे इसमें, अब यहां पर क्या रहेगा माइनस टू मैंने लिया और क्योंकि यहां पर स्क्वेयर है तो पॉजिटिव वैल्यू भी देंगे हमें क्योंकि स्क्वेयर है, लेकिन यहां पर ये चेंज कर सकता है इनको, अगर मैं माइनस की पुट करता हूं यहां पर, मैंने यहां से माइनस टू पुट किया ये तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन यहां पर क्या आएगा माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस का आएगा और जब प्लस और माइनस हो तो क्या रहेगा माइनस रहेगा। तो इस इंटरवल में आपका क्या फंक्शन रहेगा यहां पर पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा ध्यान रखिए, फिर टेबल की फॉर्म में इसको लिख ले, फिर इस इंटरवल में चेक करें जीरो आएगा जीरो यहां पुट करें ये तो पॉजिटिव रहेंगे, यहां पर जीरो पुट किया माइनस का यहां भी माइनस रहेगा, इसमें से लेंगे मैंने टू यहां पर लिया जब मैंने टू पुट करूंगा ये तो पॉजिटिव ही देंगे ध्यान रखें, इसको चेक कर ले टू माइनस वन तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, चेक करें पॉइंट रख के कोई भी यहां से, और मैंने यहां से फोर लिया तो ये तो पॉजिटिव ही देंगे क्योंकि स्क्वायर है, यहां भी पॉजिटिव आएगा, अब दो में नेगेटिव दो में पॉजिटिव रहेगा, तो कैसे लिखें टेबल बनाकर लिखेंगे इस प्रकार से, देखिए जैसे बुक में आपका दिया गया है एग्जाम्पल बहुत सारे दिए गए हैं, यहां मैं लिखूंगा इंटरवल जो आपके रहेंगे, अब हमारे पास इंटरवल कौन कौन से बनते हो देखिए, यहां पर जो हमें इंटरवल दिए गए हैं एक हमारे पास रहेगा माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन, माइनस वन टू वन, वन टू थ्री और थ्री टू इनफिनिटी ये रहेंगे, ऐसे टेबल की फॉर्म में लिख देंगे आसानी रहेगी हमें, और साइन यहां पर कैसे रहेंगे इसके साइन ऑफ एफ डैश एक्स कैसे साइन आपके रहेंगे, अब साइन देखिए इस इंटरवल में नेगेटिव रहेगा यानी कि नेगेटिव लिखे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और यहां भी नेगेटिव रहेगा तो यहां पर भी यहां पर नेगेटिव लिखते इस प्रकार ना लिख के यहां पॉजिटिव और यहां भी पॉजिटिव रहेगा। और फिर इसके बाद हम डिफाइन करेंगे जब नेगेटिव साइन है तो ये रहेगा आपका अब ये नेम ऑफ फंक्शन कैसा रहेगा यहां पर रहेगा डिक्रीजिंग
ठीक है, यहां भी डिक्रीजिंग और दोनों में आपका रहेगा इनक्रीजिंग। तो ऐसे टेबल की फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं। एग्जांपल हमने किए थे, ये दिए भी गए आपके। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करना बच्चों। बाकी पार्ट आप ट्राई करें, उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है कि कैसे हम किसी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपका रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दिया है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब 7 की स्टेटमेंट हमें ऐसे दी गई है, देखिए, सो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x दिया गया। और यहां पर दिया गया है कि x ग्रेटर देन माइनस 1 के रहेगा, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ x, x के लिए थ्रू आउट इट्स डोमेन। इसका जो डोमेन इसकी यहां पर दी गई हमें, ध्यान रखिए, अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस वन से कहा ग्रेटर है, तब कहीं रहेगा माइनस वन टू इन्फिनिटी, ये हमारी इंटरवल इसकी रहेगी। और इस इंटरवल में हमें चेक करना कि हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, ये डिफाइन करना, सो दैट करना हमने, तो ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है। चलिए वही हमारा मेथड रूल रहेगा, जो फंक्शन हमें थे इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब log फंक्शन आपका है तो log x का 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस x हो जाएगा। और जब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं 1 का 0, x का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं करूँगा कोशेंट रूल से करना पड़ेगा, तो क्या रहेगा बच्चों देखिए, जो आपका नीचे आपका डिनोमिनेटर उसका हम स्क्वेयर करते हैं 2 प्लस x का स्क्वेयर, फिर ये सेम रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x का 2 हो जाएगा और ये सेम रहेगा, फिर माइनस में अब इसको सेम रखेंगे 2x सेम रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, इसका 1 रहेगा और बस ये आएगा। अब इसको थोड़ा थोड़ा सिंपलीफाई करें, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलता है देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस x का स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं इसका क्या रहेगा, देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस x यहाँ पर 2 प्लस x का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फिर, अब तो इसको इधर करेंगे तो रहेगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, बाहर माइनस का ध्यान रखें विशेष तौर पे, तो माइनस 4 और माइनस के 4x स्क्वायर इसका खोल दे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा। अब तो एलसीएम हम इसका ले चुके हैं, अब तो ये लिखने की जरूरत नहीं हमें एलसीएम लेना इसका, अब ये फंक्शन आपका रहेगा। तो स्क्वायर खोल दें, 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस x और 2 प्लस x का स्क्वेयर, तो क्या कैंसिल हो गया यहाँ से देखिए, 4x पॉजिटिव नेगेटिव, तो और 4 भी कैंसिल यहाँ से, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर आपका रहेगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स इसका स्क्वेयर, ये हमारे पास लास्ट में फंक्शन बचता है। अब ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, अब हमें इसको प्रूव करना कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग किस में, इस डोमेन में माइनस 1 टू इन्फिनिटी। अब कैसे चेक करेंगे, बहुत सारे मेथड यहाँ पर हो सकते हैं बच्चों, कुछ ने क्या किया इसको इक्वल टू 0 पुट किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वहाँ से वाली निकाली, नहीं वो सब करने की जरूरत नहीं है हमें। क्या करेंगे अब यहाँ पर, नेगेटिव पॉजिटिव चेक करेंगे, इस डोमेन से कोई भी नंबर उठा लें, कोई भी आपका इंटीजर ले लें, मैंने यहाँ पर लिया एक्स इक्वल टू 0 क्योंकि इसके बीच में ही रहेगा, तो यहाँ पुट करूँ तो क्या हो जाएगा देखिए, डी वाई बाई डी एक्स जब x आपका क्या है 0 के इक्वल, तो क्या आएगा ये 0 हो जाएगा, यहां पर 1 प्लस 0 1 ये 2 हो जाएगा और 0 पॉन में समथिंग कुछ भी हो 0 के पॉन में तो क्या रहेगा 0 ही रहेगा, तो यहां पर आपका 0 आता है। आप ध्यान रखें
जीरो आपका आता है यहां पर। और फिर हम चेक करें कोई और पॉइंट ले, अब यहां पर ध्यान रखे जीरो भी आती है वैल्यू यहां पर, तो ये इंक्रीजिंग रहेगा, ध्यान रखें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फंक्शन हमें जीरो पर जीरो वैल्यू देगा, यानी कि जब ग्राफ इसका बनाएंगे कैसे बनता है इसका ग्राफ, तो एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, फिर आपका चलता रहेगा ग्राफ ऐसे बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखें, अब कोई और पॉइंट ले हम इसकी डोमेन से ही, वन रख लेते हैं। अब मैंने लिया एक्स इज इक्वल टू वन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू When x is equal to 1, तो क्या रहेगी? यहां पुट करोगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और यहां पर 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो क्या आएगा 1 अपॉन 18, और 1 अपॉन 18 भी क्या है? पॉजिटिव है। तो किसी और पॉइंट को ले चेक करें तो ये सभी में क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन जीरो पर जीरो देगा, ध्यान रखें। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो आपकी वैल्यू आपकी आएगी इसकी डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या रहेगा? हमेशा जीरो के इक्वल या ग्रेटर रहेगा। ध्यान रखें, मैंने स्टार्टिंग में कहा था जब ये साइन आपका आता तो ये इंक्रीजिंग तो रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं रहेगा। तो देयरफॉर एफ इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, किस में रहेगा? इन द डोमेन इन माइनस वन टू इन्फिनिटी, माइनस वन और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी चेक कीजिए तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैंने यहां पर नहीं लिखा, ध्यान रखें क्यों नहीं लिखा, तो यहां पर ये इक्वल भी आ चुका है, और जब इक्वल आ जाता है तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपका नहीं रहेगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हमने फर्स्ट 7 सम को सॉल्व किया इस एक्सरसाइज के, आज हमने 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन जो आपके हैं वो सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे, सिंपल सा आपका कंसेप्ट है, ऑलरेडी एक वीडियो उस पर बना चुके हैं, और उस वीडियो में हम इसका बेसिक समझ चुके हैं। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिए, और नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन बचते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।